और यहाँ शादियां रेपुंजल के बालों ज्यादा लंबी होती है भाई। जब शादी उधर है उससे पहले पूरी प्री प्रोडक्शन होती है, बात पक्की, मेहंदी, ढोलकी, निकाह। समझ गए, बॉडी लैंग्वेज वाली कॉमेडी भाई। शादी करने से बहुत सारी चीजें देखी जाती है, मतलब पूरी लिस्ट होती है, मैं आपको क्या बताऊं। सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारे वीडियोस सबसे पहले। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। गाइज, आज रिएक्शन होने वाला है एवरी देसी शादी एवर, ऑसमो स्पीक्स का ये वीडियो है खुजली फैमिली पे। काफ़ी दिनों के बाद हम रिएक्शन कर रहे हैं, सो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बरसा देना तो रिएक्शन आया है। मोहब्बत बरसा देना तुम रिएक्शन आया है। सो और अभी जो जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अभी अभी हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए उसके लिए थैंक यू सो मच। और जैसे मैंने कमेंट किया था नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन, तो फैमिली तो मोहब्बत बरसाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलो स्टार्ट करते वीडियो, हियर वी गो। RBS presents Awesome Speaks। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, शायद आज आप मेरी शक्ल देख के सोच रहे होंगे कि मैं कोई इनाम घर टाइप शो करने वाला हूँ। लड़कियाँ कहाँ हैं, मुझे चाहिए 2 लड़कियाँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आज हम बात करेंगे शादियों की, और इसी वजह से मैं आज दूल्हे का भाई की तरह तैयार होकर आया हूँ। शादियाँ 2 किस्म की होती है, एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज। पहले बात करेंगे अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज तब होती है जब कोई उम्मीद नहीं होती। और एक बात बड़ी फजूल लगती है, जिस भी पुराने खत्म कपल से पूछो कि आपकी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज हुई, तो कहते अरे बेटा क्या पूछ लिया, असल में हुई तो अरेंज मैरिज थी लेकिन बाद में लव हो गया। अरे वो चाचा जी चॉइस कहाँ रह गई फिर, इसी से तो प्यार करना पड़ेगा। चाचा जी आपके पास कोई MCQ नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, आपके पास NCQ है, नो चॉइस क्वेश्चन। वैसे अगर देखा जाए तो शादी करने से पहले सारे लौंडे दोस्तों को फोन करके कमरे ढूंढ रहे होते हैं। अरे तेरे फ्लैट पे आ रहा हूँ तो 2 घंटे के लिए बाहर जाना। अरेंज मैरिज में आप ही के माई बाप, आप ही के वालिदैन आपकी सेटिंग करा देते और अपने ही घर में कमरा देते कि आओ बेटा क्या करो। वैसे देखो अगर ये हलाल ना होता तो कितनी घटिया बात है। अरेंज मैरिज में अक्सर जब मियां बीवी की नहीं बनती तो मियां उठ के अपने वालिदैन को ये बोलने लग जाता है, आप ही ने लेके दी थी, देख लो। लेके दी थी साले, क्या USB है, और तू अपनी हार्ड डिस्क भी चेक कर ले, शायद उसमें मसला हो। लेकिन ये इंजीनियरिंग रिवर्स भी होती है, और ये रिवर्स तब होती है जब आपने की होती है लव मैरिज, और लव मैरिज में अगर आपकी अपने पार्टनर से नहीं बनती तो फिर आपके वालिदैन आपके पास आते हैं। हमने तो पहले ही कहा था इसको, ये हमारी बात थोड़ी मानेगा। अपने खानदान में इतनी खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई, अब वो क्या करेंगी, कुछ भी करें यार, पंक्चर की दुकान खोल ले, मैं क्या करूं। ये लव और अरेंज का झगड़ा शुरू से चलता आ रहा है क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो विवाह की पूनम लेके आए, लेकिन बेटा चाहता है वो नशा की पूनम पांडे लेके आए। सबसे फनी टाइम तो तब होता है जब दोनों पार्टियां रिश्ते के लिए मिल रही होती है, तब होता है संस्कार प्रदर्शन, और तब आलोकनाथ की रूह को मुक्ति मिल जाती है। देखे जी हमारी बेटी माशाल्लाह से उसने पूरे मोहल्ले में अपना नाम रोशन किया हुआ है। मोहल्ले में नहीं, खानदान का नाम रोशन किया, कैसी बात कर रहे हो। सॉरी, पूरे खानदान का नाम रोशन किया हुआ है, जब भी किया है रोशन के साथ किया है, रोशन हो चाहे। अगर दोनों पार्टियों के सर खुले हुए हैं, यानी कि ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है, तो वो थोड़ा सा टाइम होने वाले दुल्हा दुल्हन को देते हैं कि बेटा जाओ 10 मिनट में तुम दोनों सोलमेट बन के आ जाओ। लेकिन साथ फिर भी ये बड़े शहरों में होता है, छोटे शहरों की दुल्हन को तो पता तक नहीं होता कि उसने अपनी पूरी जिंदगी किस भोसड़ के साथ बसर करनी है। अरेंज मैरिज का एक फायदा और है कि आपको अपने पार्टनर को समझते समझते बच्चे हो जाते हैं, फिर आपको समझ आ जाती है कि अब यही है बस जो है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में लड़के वालों का हाथ थोड़ा हैवी होता है, उनका स्वैग होता है, तभी लड़के की अम्मा पामे उसके अपने बेटे की शक्ल कंडक्टर जैसी होगी, लेकिन उसको बहू डॉक्टर ही चाहिए। और डॉक्टर इसलिए नहीं कि बाद में वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सके या किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सके, नहीं, बल्कि पूरे खानदान में कभी भी किसी के दूर दराज किसी बच्चे की टटिया लग जाए तो वो उसको दवाई प्रिस्क्राइब कर सके, यानी कि वो हाउस जॉब अपने हाउस में करे। लड़के के अम्मा अब्बा ने पूरा क्वेश्चनियर तैयार किया होता है, भाई साहब Q&A सेशन चलता है, डिमांड्स की पूरी लिस्ट होती है, उनमें से एक आता है कि लड़की गोरी हो, इतनी गोरी लड़की का करना क्या है, लाइट जाएगी तो चाबियां ढूंढनी है, बेटी इधर आओ जरा मुंह ले आना, इधर चाबियां पड़ी थी मेरी, लंबी हो क्या कर दे, क्या कर दे उसके इतने कद का, क्या करने खड़े खड़े बल्ब लगवाने उससे, या ऐसे बगल ऊपर करेगी तो डोर पकड़ के ले आएगी, स्लिम हो स्मार्ट हो, बल्कि नहीं 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 यहाँ पे स्लिम की जगह स्मार्ट ही यूज किया जाता है। अरे वजन कम कर लिया, स्मार्ट लग रहे हो, प्लेबॉय मैगजीन में तो उसने आना नहीं है, तंग कपड़े तो तुम उसको पहनने दोगे नहीं, तो ये 0 फिगर बना के वो क्या करे, अब आपके बेटे को दिखाए चनकड़ा। लव मैरिज जो या अरेंज मैरिज जो क्या फर्क पड़ता है, बस खुश रहना चाहिए, और इंसान दोनों में खुश नहीं रह सकता। और यहाँ शादियां रेपुंजल के बालों ज्यादा लंबी होती है भाई, शादी उधर है उससे पहले पूरी प्री प्रोडक्शन होती है, बात पक्की, मेहंदी, ढोलकी, निकाह।
समझ गए बॉडी लैंग्वेज वाली कॉमेडी भाई। शादी करने से पहले बहुत सारी चीजें देखी जाती है, मतलब पूरी लिस्ट होती है, मैं आपको क्या बताऊं गोविंदा भैया। शादी ब्याह बड़ा सोच समझ के किया जाता है, जात पात ऊंच नीच पीढ़ी सीढ़ी खानदान पानदान संस्कार कार बैंक बैलेंस फंड बंड शंड बाबा जी का गंड सब देखा जाता है सारा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते आपको शादी करनी नहीं चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से याद आया कि अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ भी जानना है तो आप RBS के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे मैं चिपका दूंगा। भाई साहब इतनी जल्दी शादियां खत्म नहीं होती, इसका पार्ट टू भी आएगा, ये पूरी सीरीज है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब बोथ माय चैनल्स, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। बहुरामी वीडियो था, बहुरामी इतना अच्छा वीडियो लगा मुझे कि मैं बता नहीं सकता। काफी दिनों बाद कह सकते हैं कि रजा सामोय इज ऑन फुल ऑन एनर्जी, बट स्क्रिप्टिंग जो थी इस वीडियो की बहुत टाइट स्क्रिप्ट थी। मुझे समझ में नहीं आया इनकी शादी नहीं हुई फिर भी इनको इतना सब पता कैसे है। और वो एडिटिंग वाला सीन ज़ूम वाला वो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है, वो वाला देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैं अलग ही लेवल की पर ये बात सही है यार कि वो शादी जो के बारे में जो बोला है इन्होंने, एक मैरिड होने के नाते हमको पता है कि एक एक बात इन्होंने सच बोल ली। मतलब अभी तो सिर्फ रिश्ता हुआ है, अभी मेहंदी हल्दी पूरा सीरीज चलने वाली है इनके, तो अब इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं। हम बहुत दिल से इंतजार कर रहे हैं, सब पे रिएक्शन देंगे, सब पे रिएक्शन देंगे। बहुत ही मस्त वीडियो लगा है मेरे को तो ये मतलब नया देखने को मिला सच में इनके वीडियो। एक बंदे ने देखो क्या कमेंट किया, एक लड़की ने, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैरिज एक्चुअली, लव अरेंज एंड फोर्स मैरिज, मतलब जो जबरदस्ती करवाई जाती है, जबरिया जोड़ी वाला, जबरिया जोड़ी, तो वो फोर्स तो गलत हो जाती है, ऐसा कुछ होता ही और अरेंज ऑलमोस्ट फोर्स ही होती है। हाँ, वो सेम ही होता है, वो अरेंज और फोर्स एक ही में आती है मेरे ख्याल से। बहुत कम ऐसी अरेंज होती है जो दोनों करते हैं, मतलब पहले लव कर लो फिर माँ बाप को बोल दो। लेकिन इनकी वो लाइन बहुत अच्छी लगी मेरे को कि जब वो बोलते कि हमारी शादी तो लव नहीं होती, अरेंज होती, लेकिन बाद में लव हो गई। ऑप्शन कहाँ बचा है, ऑप्शन ही नहीं बचता ना। ये बात तो सही है यार, ऑप्शन कहाँ बचता है यार। वीडियो हिला के रख दिया इन्होंने यार, मतलब सच बोलूं तगड़ा इस सीजन में चलने वाला ये वीडियो। हाँ, बट इस बार गिलिटोस प्रेजेंट्स के अलावा कुछ और लाइन आ गई, वो की कोई और स्पॉन्सर्स आ गए इस बार। हर बार बोलते हैं ना गिलिटोस प्रेजेंट्स और स्पॉन्सर्स, गिलिटोस इनका खुद का स्पॉन्सरशिप है, गिलिटोस इन्हीं के ही है ना शायद। हाँ शायद इनके वीडियो तो बहुत मज़ा आया गाइस, इनके वीडियोस का हमेशा इंतज़ार रहता है हमें, और ये वीडियो देखकर तो मज़ा ही आ गया। और इसके आने वाले और जितने भी वीडियोस आने वाले डेफिनेटली उन पर रिएक्शन देने वाले हम बिल्कुल। और जिस जब ये खड़े होकर वीडियो बनाते हैं ना फुल ऑन एनर्जी के साथ, वो मुझे देखकर बहुत मजा बैठ जाते ना, मुझे लगता है इनकी जो एनर्जी है वो डाउन हो गई है। रिसेंटली लॉकडाउन में इन्होंने ऐसे बैठ के वीडियो बनाए कंप्यूटर, वो हमको बिल्कुल मतलब इतने अच्छे नहीं लगे। कॉमेडी का जो लेवल था वो अब लग रहा है कि हाँ भाई ये लेवल ये बैक ऑन फायर, वो जो पहले वाली जो चीज थी वो दोबारा से आ गई है। और इससे हमने देखा भी कि इनके जो चैनल के व्यूज व्यू काउंट्स जो है वो डाउन चले गए, मतलब पहले इनके 8-8, 9-9, 10-10 लाख व्यू आते थे, वो अब 4-5 लाख हो चुके हैं। तो इनको एनर्जी में आना बहुत इंपॉर्टेंट था, और सामो भाई के लिए हम खुश है कि वो हो सकता है कुछ पर्सनल कुछ इश्यूज हो इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो, कोई किसी तरह का स्ट्रेस हो, क्योंकि हर कॉमेडियन ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा मज़ेदार लाइफ जीता, सबकी लाइफ के अपने स्ट्रेस होते हैं, तो वो हम समझने वाली बात है, वो हमें समझना चाहिए, तो वो हम समझ रहे हैं कि पीछे वाली लाइफ हमें नहीं पता। हाँ, बट इनके वीडियो की स्क्रिप्टिंग में कहूँगा एक तरह की स्टैंड अप कॉमेडी होती है ये, जिसमें वो मीम्स को मिक्स कर देते, तो मीम्स का जो तड़का लगाते हैं वो बहुत ही तगड़ा होता है। और वो जो मीम था तो सच में यार, एक तो इन्होंने खुद का जो मीम बनाया ना क्लोजअप वाला, वो जो क्लोजअप सीन था, हाँ, बहुत कुछ देखना पड़ता है, वो तो बहुत खतरनाक था, मतलब हम शॉक रहे थे कि भाई राजा साहब ऐसा भी कर सकते हैं। इनके प्रीवियस वीडियो पुराने वीडियोज जो देखते थे हम, उनमें भी ये खुद के ही अपनी वाइंस जो थी उनके मीम्स यूज करते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा अब इंतजार कर रहा हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड का, जैसे ही आएगा आप रिक्वेस्ट करने लग जाना। हो सकता है हमने वैसे बेल बटन इनका दबा रखा है, लेकिन यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन देता नहीं है, तो आप हमें रिक्वेस्ट करने लग जाना, हम जल्द से जल्द रिएक्शन करेंगे। सो
सो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, अच्छे लगे तो करो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।